नमस्कार दोस्तों, अब है सीरियल अनुपमा का स्पॉइलर अलर्ट। अनुज के ठुकराने के बाद अनुपमा दे देगी अपनी जान, कांता सिखाएगी माया को सबक। टीवी शो अनुपमा में अनुज ने अपनी पत्नी के पास वापस लौटने से साफ इनकार कर दिया। जब कांता अनुपमा को अनुज की ये कही बातें बताती है तो वह बिल्कुल बिखर जाती है। रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर शो अनुपमा टीवी का नंबर वन शो है। शो का लेटेस्ट ट्रैक अनुपमा और अनुज की उजड़ती जिंदगी के इर्द गिर्द घूम रहा है। अनुज छोटी अनु के लिए माया के पास चला गया है और अनुपमा अपनी दूसरी टूटी शादी से टूट गई है। जब अनुपमा की माँ अनुज को समझाने जाती है तो वह वापस जाने से मना कर देता है। वह अनुपमा से कहता है कि वह उसे कोई उम्मीद ना दे या कह दे कि छोटी अनु को छोड़कर वह नहीं आएगा। कांता ने माया को सिखाया सबक। आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि माया कांता जी को कहती है कि अब अनुज अनुपमा के पास वापस नहीं जाएगा। वह तीनों इस घर में हंसी खुशी रह रहे हैं। इस पर कांता माया को सबक सिखाते हुए कहती है कि अनुज कभी भी उसका नहीं होगा, चाहे अनुज के दिल में अनुपमा हो या नहीं, पर वह किसी और को जगह नहीं देगा। वह सिर्फ अनुपमा से प्यार करता है और एक दिन दोनों ज़रूर मिलेंगी। यह सुनकर माया को बुरा लगता है। कांता जी के जाने के बाद जब माया पीछे मुड़ती है तो अनुज खड़ा होता है। माया को लगता है कि अनुज ने भी उनकी बातें सुन ली, लेकिन ऐसा नहीं होता। वह भी वहाँ से चला जाता है और माया फुसफुसाती है कि एक दिन वह उसके पास ज़रूर लौटेगा। जान देना चाहती है अनुपमा। कांता जी आकर अनुपमा से बताती है कि अनुज अब उसके पास कभी नहीं लौटेगा। वह छोटी अनु के साथ रहना चाहता है, इसलिए वह उसका इंतज़ार ना करे। ये बातें सुनकर अनुपमा टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद वह खुद को कमरे में बंद कर लेती है। कांता जी कहती हैं कि उसने सिर्फ अनुज की नहीं अनुपम की कही बातें अनुपमा को बताई हैं, लेकिन जो उसकी आंखें कह रही थी वह नहीं। वह कहती कि अनुज आज भी अनुपमा से बहुत प्यार करता है। जब अनुपमा का भाई बोलता है तो उसने यह बातें उसे क्यों नहीं बताई। तब वह कहती कि वह नहीं चाहती कि अनु जिंदगी भर अनुज के इंतज़ार में हर दिन टूटे। वहीं काफ़ी देर तक दरवाज़ा न खोलने पर उसका भाई दरवाज़ा तोड़ देता है और अंदर जाने के बाद अनुपमा सुध-बुध कोई बैठी हुई डायरी में लिखती है कि अब उसे नहीं जीना है, वह मरना चाहती है। वह खुद को दोष देती है कि उसमें ही कोई कमी है, तभी उसकी पहली और दूसरी दोनों ही शादियां टूट गई हैं, दोनों ने ही उसे छोड़ दिया। बापू जी ने वनराज को चेताया। शाह हाउस में सभी अनुपमा के लिए परेशान होते हैं। बापूजी किंजल को अनुपमा को कॉल करने के लिए कहते हैं, लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं उठाता। सभी डर जाते हैं और फिर वनराज कहता है कि अनुज के जाने के बाद अनुपमा सुध-बुध खो बैठी है। सभी जब उससे पूछते हैं कि उसे यह कैसे पता, तो वह कहता है कि वह उससे मिलने गया था। वह कहता है कि उसकी हालत ऐसी थी जैसे वह कुछ कर न ले। वनराज कहता है कि इस घड़ी में, मुश्किल घड़ी में, वह अनुपमा के साथ रहना चाहता है और उसे उसकी फिक्र है, वह बेचारी और अकेली है। तब बापूजी वनराज को टोकते हुए कहते हैं कि अनुपमा न बेचारी है और ना ही अकेली है, वह उसके लिए अगर कुछ करना चाहता है तो कुछ न करें। बापूजी ये भी कहते हैं कि वनराज को अनुपमा से दूर ही रहना चाहिए और उसके बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। हालांकि वनराज कहता है कि वह ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। अनुपमा करेगी नई शुरुआत। लेटेस्ट प्रोमो में दिखाया गया है कि कांता जी अनुपमा को ज़िंदगी का मतलब सिखाती हैं और उन लोगों से मिलवाती हैं जो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। जब अनुपमा कहती है कि अब वह भी अपने जीवन की नई शुरुआत करेगी, अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में हमें कौन सी अनुपमा देखने को मिलती है। तो ये थे सीरियल अनुपमा के लेटेस्ट अपडेट। ऐसी और अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अनुपमा की अगली जिंदगी से जुड़े अपने कयास हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।